Good morning, dear students. Welcome to Sai Academy of Electrical Engineering, SAEE. This is your favorite YouTube channel for electrical engineering. This is Professor Prashant Tiwari. Today, we will learn about construction of transformer. So let's start our video. In day first, we covered definition and need of transformer. Similarly, principle of operation of transformer. In today's lecture, you will learn about construction and working of different essential parts of transformer. So, in the case of construction of transformer, there are several important parts in a transformer such as core, winding, transformer tank, conservator tank, terminal bushings, breather, radiator, LT low terminal and high terminal bushings, bucos, relay, and transformer oil. These all are the essential parts of transformer. So let's talk about core. Agar main core ke bare mein baat karun, to sabse pehla question yehi aayega ki what is the need of core? The function of core is to provide low reluctance path for the circulating magnetic flux. Yani bahut simple sa use hai core ka. Core wo magnetic ferromagnetic material hai jo ki magnetic flux ko primary setup mein use hote hai. Even I can say 100 flux primary se secondary mein easily induced hota hai. The next point is the core is made of laminated silicon steel and the special type of process and material is called CRGO or HRGO. Main starting mein HRGO hum log use karte the lekin abhi hum log cold rolled grain oriented silicon steel use karte hain. The amount of silicon in the CRGO material is around 3 to 5%. Or purpose bahut simple hai. What is the purpose to use of silicon in while making core? Ye question hame center mein pucha jata hai. Aap confidently bol sakte hain ki sir, same silicon is a kind of material which improve or increase the resistivity of added material. Means jab hum silicon ko apne core mein add karenge, उससे हमारे कोर के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रेसिस्टेंस इंप्रूव होगा, जिसकी वजह से एडी करंट इंड्यूस्ड एडी करंट की वैल्यू मिनिमाइज होगी और पैरेलली हिस्टेरेसिस लॉस भी कम होगा. मैं अगर बात करूं कोर को हम प्रैक्टिकली डिजाइन कैसे करते हैं, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हम सॉलिड शीट यूज करते हैं या फिर पतले पतले हम लैमिनेशंस में शीट को काट के फिर इसको हम स्टैक करते हैं. तो सेकेंड वन करेक्ट है. हम सॉलिड शीट इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि अगर एडी करंट इंड्यूस्ड हुआ कोर के किसी भी एक पार्ट में तो पूरे कोर में वो एडी करंट इजीली सर्कुलेट होगा एंड विच गिव्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट और उससे लॉसेस की वैल्यू बढ़ जाएगी और इंसुलेशन फेल्योर के भी चांसेस बढ़ जाएंगे. तो हम सिंगल सॉलिड शीट यूज ना करके कोर के हम पतले पतले स्लॉट्स या पतले पतले हम शीट्स काटते हैं. इन शीट्स को हम आपस में वार्निश के थ्रू कोटिंग करते हैं और उनको हम आपस में स्टैक करते हैं. जैसे ये मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा फोर्स के द्वारा हम इन सीट्स को स्टैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर. द फर्स्ट इज कॉल्ड कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेकंड इज कॉल्ड शेल टाइप ट्रांसफार्मर. आगे के वीडियोस में हम कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में इजीली समझेंगे. मैं इस पिक्चर के हेल्प से इस कोर के कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताना चाहता हूं जिनके नोमेनक्लेचर है. लाइक ये वर्टिकल जो लेंथ है, दिस वर्टिकल लेंथ और लेग, इसको लिंब लिंब और लेग हम इसको बोलते हैं. इसी लिंब या लेग पे हम वाइंडिंग को माउंट करते हैं. कभी भी हम हॉरिजॉन्टल विड्थ पे हॉरिजॉन्टल कोर के पार्ट पे हम वाइंडिंग को माउंट नहीं करते. इस वर्टिकल लेग या लिंब पे हम वाइंडिंग को माउंट करते हैं. ये जो क्लोज जो सेकेंड पार्ट है जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड योक. और ये मैकेनिकल सपोर्ट हमें दे रहा है, योक क्लोज सर्कुलेटिंग पाथ प्रोवाइड कर रहा है. इनके बीच में जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड विंडो. पर्पस इज वेरी सिंपल. हम विंडो अगर है तो इजिली हम वाइंडिंग को प्राइमरी और सेकेंडरी यानी दोनों वाइंडिंग को हम एक दूसरे से आइसोलेट कर सकेंगे. प्लस जो सर्कुलेटिंग एयर होगा या फिर ऑयल होगा जो कूलिंग पर्पस में हम यूज करेंगे वो इजिली फ्लो होगा. तो दैट्स वाई वी मेक विंडो. नंबर ऑफ विंडोज होंगे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होंगे. सो अब इफ आई टॉक अबाउट वाइंडिंग, अगर मैं वाइंडिंग के बारे में बात करूं तो वाइंडिंग क्या होता है आप जानते हैं. वाइंडिंग या तो हम
कॉपर या फिर माइंडिंग एल्युमिनियम वायर के बनाते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर बनाना है, लो रेसिस्टिविटी चाहिए, देन वी यूज इनेबल्ड कॉपर। इनेबल्ड मीन्स हम जनरली कॉपर को भी इंसुलेट करेंगे ताकि जब हम माउंट करेंगे तो आपस में शॉर्ट नहीं हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेशन है, क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेटिंग पे और साइज पे। वाइंडिंग का पर्पस बहुत सिंपल है, वाइंडिंग हमारा सर्कुलेटिंग यानी करंट इंड्यूस करता है, करंट को डेवलप करता है। जितने भी वाइंडिंग्स होते हैं वो एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं और इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर एक्सेप्ट ऑटो ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी यानी मल्टी वाइंडिंग होती है, एक दूसरे से भी आइसोलेटेड होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। मैं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उस पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर में हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया, दैट अबाउट कोर एंड वाइंडिंग। द नेक्स्ट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर टाइम। ये एक पिक्चर है हमारे पास ट्रांसफार्मर का, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि ट्रांसफार्मर टैंक होता क्या है। पहले क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर टैंक की जरूरत क्या है। तो हम जिस कोर को डेवलप करते हैं, कोर और वाइंडिंग जो कि टू मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स है ट्रांसफार्मर का, वो कोर और वाइंडिंग इस टैंक के अंदर हम उसको फीड करते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर बेसिक, अगर मैं जनरल कूलिंग के पर्पज से क्लासीफाई करूं तो फर्स्ट इज कॉल्ड ऑयल कूल ट्रांसफार्मर एंड दिस इज सेकेंड इज कॉल्ड एयर कूल ट्रांसफार्मर। अगर ऑयल कूल ट्रांसफार्मर है तो हमें टैंक की जरूरत होगी, क्योंकि टैंक के अंदर ही हम ऑयल को फिट करेंगे। यानी ये जो टैंक है, ये पूरा का पूरा जो बॉडी है, जिस बॉडी के अंदर हम ट्रांसफार्मर के कोर और वाइंडिंग को माउंट करते हैं, प्लेस्ड करते हैं, दिस इज कॉल्ड टैंक। सेकेंड पार्ट इज कंजर्वेटर टैंक। एक बिगर टैंक है, सेकेंड है स्मॉलर टैंक। फर्स्ट टैंक इज कॉल्ड मेन टैंक और ट्रांसफार्मर टैंक, सेकेंड इज कॉल्ड कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक होता है मेन टैंक के ऊपर हम माउंट करते हैं। ये अगर पावर टाइप ट्रांसफार्मर है तो ही कंजर्वेटर टैंक हमें मिलेगा, हर ट्रांसफार्मर में हमें कंजर्वेटर टैंक नहीं मिलेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है यानी जिसकी पावर रेटिंग 500 किलो वोल्ट एम्पीयर से कम है, तो कंजर्वेटर टैंक की जरूरत हमें नहीं पड़ती। अगर मैं कंजर्वेटर टैंक की बात करूं तो कंजर्वेटर टैंक जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको हम इसमें स्टोर करते हैं, ये अराउंड 75% तक हम फिल करते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है कि जब जब ट्रांसफार्मर के अंदर हीटिंग होगी, जब ट्रांसफार्मर लोड पे होगा, वर्किंग होगी, तो हीट होगा, हीट से ट्रांसफार्मर का वायल एक्सपेंड करेगा, जब एक्सपेंड करेगा तो जो भी एक्स्ट्रा वायल होगा वो कंजर्वेटर टैंक में स्टोर होगा। पैरेलली जब ट्रांसफार्मर मेन टैंक की वायल इवोपरेट होगी, जब बर्निंग होगी, उस टाइम जो भी वायल की फिलिंग, जो एक्स्ट्रा वायल जो भी हमें चाहिए, वायल जो भी कम होगा उस वायल को फिल करता है कंजर्वेटर टैंक। क्योंकि मैनुअली ये पॉसिबल नहीं है कि हम बार बार ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ऑयल को चेक करते रहे और आके फिलिंग करते रहे, तो फॉर दैट पर्पस वी डेवलप्ड कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक अराउंड 75% हम फिल इसलिए करते हैं क्योंकि अगर फुल फिल करेंगे तो मेन टैंक का ऑयल जब एक्सपांड होगा तो ट्रांसफार्मर ऑयल लीकेज होने लगेगा, तो हम इसको 75% ही फिल करते हैं। थर्ड पॉइंट इज टर्मिनल बुशिंग्स। हमारे पास दो बुशिंग्स है, बुशिंग्स आर जस्ट लाइक इंसुलेटर्स इन अ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बट इसकी साइज, इसकी रेटिंग डिफरेंट होती है। ट्रांसफार्मर के केस में हम इसको टर्मिनल बुशिंग ही बोलते हैं। दो प्रकार के टर्मिनल बुशिंग होंगे, पहला होगा हाई टर्मिनल बुशिंग और लो टर्मिनल बुशिंग। टर्मिनल बुशिंग का काम क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टर्मिनल बुशिंग? टर्मिनल बुशिंग आर यूज्ड टू इंसुलेट द इनपुट एज वेल एज आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर का जो बॉडी और यानी ट्रांसफार्मर के कोर और ट्रांसफार्मर की बॉडी को हम आपस में इंसुलेट करते हैं, इस इंसुलेशन के लिए हम टर्मिनल बुशिंग्स यूज करते हैं। अगर हाई वोल्टेज साइड के लिए हम हाई एसटी बुशिंग्स यूज करेंगे, लो वोल्टेज साइड के लिए हम एलटी बुशिंग यूज करेंगे। जैसे ये लो वोल्टेज है, साइज कम है, स्मॉलर साइज है, दीज आर कॉल्ड एलटी बुशिंग्स। तीन मेरे पास थ्री फेज ट्रांसफार्मर का और नेक्स्ट वन जो लास्ट वन है वो मेरे पास अर्थिंग न्यूट्रल पॉइंट या अर्थिंग पॉइंट के लिए है, और ये है एसटी बुशिंग्स जो कि तीन हमारे पास थ्री फेज ट्रांसफार्मर का एसटी बुशिंग्स है। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ब्रीथर। ब्रीथर इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ब्रीथर के थ्रू हम जो भी ट्रांसफार्मर कॉइल के अंदर जो भी मॉइस्चर डेवलप होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा, उस मॉइस्चर को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ब्रीथर प्रोवाइड्स पासेस ऑफ एयर टू द ट्रांसफार्मर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑयल ड्यूरिंग कूलिंग। यानी जब भी हम ट्रांसफार्मर कॉइल को कूल करते हैं, कूलिंग के ड्यूरेशन में जो भी हम एयर को पास करते हैं उसको हम ब्रीथर के थ्रू पास करते हैं, ताकि जो भी मॉइस्चर हो वो ब्रीथर उसको एब्जॉर्ब कर ले।
अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अगर वो मॉइस्चर एयर में ट्रांसफार्मर वायर में मिलेगा तो उसे ट्रांसफार्मर वायर की जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो वीक होगी। ब्रीथर में हम सिलिका जेल यूज करते हैं, सिलिका जेल इज यूज्ड एज अ ब्रीथर। अगर सिलिका अगर ब्रीथर की वर्किंग कंडीशन हेल्दी है तो सिलिका जेल का कलर ब्लू होगा, और अगर ब्रीथर की हेल्दी कंडीशन अगर पोरर है, जैसे जैसे ब्रीथर यूज होगा वैसे वैसे उसका कलर चेंज होगा, और ब्लू से धीरे धीरे वो पिंक की तरफ, एंड फाइनली जब वो व्हाइट हो जाए या लाइट पिंक हो जाए तो मुझे ब्रीथर को रिप्लेस यानी सिलिका जेल को रिप्लेस करना पड़ता है। यानी सिलिका जेल एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट इनटू द फ्रॉम द एयर या इन द एयर। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड रेडिएटर और फिन्स। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। जब अगर ऑयल कूल ट्रांसफार्मर है तो जनरली जब भी ट्रांसफार्मर लोडेड होगा ट्रांसफार्मर के अंदर हीटिंग होगी। हीटिंग ड्यूरेशन में जो ट्रांसफार्मर ऑयल हीट को एब्जॉर्ब करेगा उस एब्जॉर्प्शन की वजह से ट्रांसफार्मर के ऑयल की डेंसिटी कम होगी, और जो हीटेड ऑयल होगा वो टॉप आएगा और जो कूल्ड लो टेम्परेचर ऑयल होगा बॉटम पे होगा। इस वेंटिलेटिंग पाइप के द्वारा जो हमारा हॉट एयर है हॉट ऑयल है वो हमारे रेडिएटर या फिन्स में आता है जिसके अंदर पतली पतली पाइप्स होती हैं, और इन पाइप्स के थ्रू हम एयर को पास करते हैं और नेचुरल एयर और इंड्यूस्ड एयर ड्राफ्ट फैन या इंड्यूस्ड एयर के थ्रू हम इसको कूल करते हैं। तो फॉर द कूलिंग पर्पस वी यूज रेडिएटर और फिन्स। आप थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर में इजिली इसको देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज कॉल्ड बुकॉज रिले। बुकॉज रिले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बुकॉज रिले ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में कनेक्टेड होता है। गैस एक्सट्रैक्टिंग डिवाइस है, ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस है ट्रांसफार्मर का। जब भी ट्रांसफार्मर के वाल के अंदर अगर एयर बबल क्रिएट होगा तो वो एयर बबल जैसा मैंने बताया ट्रांसफार्मर की ऑयल के इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को वीक करेगा। उस कंडीशन में बुकॉज रिले इनिशियल लेवल पे मुझे यानी अगर माइनर फॉल्ट होगा तो मुझे अलार्म देगा, अगर मेजर फॉल्ट होगा तो वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा और ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगा। बुकॉज रिले हमेशा ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में कनेक्टेड होता है। जब भी ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक में अवेलेबल कम हो बुकॉज रिले के थ्रू हमें इजिली अलार्म के थ्रू पता चल जाता है। या अगर बुकॉज अगर हमने उस फॉल्ट को या फिर इंटरनल कोई फॉल्ट हो एयर बबल्स के ड्यूरेशन में तो बुकॉज रिले उस समय वर्क करता है और ये ट्रांसफार्मर को अनहेल्दी कंडीशन में जाने से डैमेज होने से पहले हमें बुकॉज रिले अलार्म देता है या फिर सर्किट ब्रेकर के थ्रू सिग्नल देके ट्रांसफार्मर को आइसोलेट कर देता है। द नेक्स्ट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर वाइल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास वॉयल टाइप ट्रांसफार्मर है तो टैंक के अंदर हम वॉयल को फिल करेंगे जो कि ट्रांसफार्मर के कोर या वाइंडिंग के अंदर जो हीट डेवलप होगा उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड इट इज अ काइंड ऑफ कूलिंग एजेंट एज वेल एज इंसुलेटिंग एजेंट। यानी ट्रांसफार्मर वॉयल एक तरह से इंसुलेटिंग वॉयल का काम करता है जो कि इंसुलेशन पर्पस प्लस ट्रांसफार्मर के कोर और वाइंडिंग के अंदर जो हीट होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से कुछ पॉइंट्स फिर से मैं आपको रिकॉल करना चाहता हूँ। आप अगर एक बार रिकॉल करें, मैंने आज आपको बताया ट्रांसफार्मर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें मैंने आपको मेन टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताया। पहला पार्ट था कोर और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था वाइंडिंग। कोर हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है और सर्कुलेटिंग पाथ प्रोवाइड करता है। वाइंडिंग करंट को सर्कुलेटिंग पाथ देती है। ये ट्रांसफार्मर के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल पार्ट्स है। रिमेनिंग पार्ट्स है वो ट्रांसफार्मर को समहाउ उसके एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं या फिर ट्रांसफार्मर को रिलायबल बनाते हैं। उन पार्ट्स में हमने बात करा ट्रांसफार्मर टैंक के बारे में बात करा, हमने कंजर्वेटर टैंक के बारे में बात करा, हमने बुशिंग्स के बारे में बात करी, हमने एलटी एसटी बुशिंग्स के बारे में समझा भी कि एलटी बुशिंग और एसटी बुशिंग कैसे हम कनेक्ट करते हैं, हमने ट्रांसफार्मर के रेडिएटर फिन्स के बारे में समझा, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्टिंग डिवाइस है बुकॉज रिले के बारे में समझा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेन वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। सो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज आप इस कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को या क्वेरी को लिखें। नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट और क्वेरी को मैं क्लियर करूंगा, प्लस नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिमेनिंग अपने टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।